हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए वो लाइनर जी के, जिसमें 35 साल के आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन के करंट अफेयर्स छोड़ के और बाकी सारे जितने होते हैं जीएस से रिलेटेड, ये चाहे वो साइंस हो, सिविक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारा क्वेश्चन 35 साल का कलेक्शन लाया हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। दोस्तों, आपको तो पता है रेलवे कभी भी नए क्वेश्चंस नहीं देते, बस रिपीटेड क्वेश्चन दे देते हैं। 10 साल के रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ लिए, आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर है। फिर भी मैं आपको मोर देन एनफ दे रहा हूँ, 35 ईयर्स। दोस्तों, आपसे बस यही अपील है कि पूरे सीरीज को देखें। एक वीडियो देखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से लाइक, दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सल्फेट का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी बन जाती है अम्लीय। विद्युत अपघटन के दौरान रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। कैलोरी मान न्यूनतम है वायु अंगार गैस का। वह ताकत दिखाने में बचना चाहता था और अपने लिए वह सतर्क भी था। वह अपने समकक्षों की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ होने का दावा करता था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित व्यक्ति के संदर्भ में है। बहलोल लोदी। 31 अक्टूबर 1947 को जब पुनः संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो इसके सदस्यों की घटी हुई संख्या थी 299। भारत में राजकोषीय घाटा की पूर्ति नए मौद्रिक नोट छापकर प्रकार से की जाती है। जाति, लिंग, रंगभेद, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं विदेशियों को भी। यह एक व्यक्ति का वर्णन है, वह देश में स्त्रियों के अधिकार के सर्वप्रथम स्वयं जमींदार थे। उन्होंने सरकार को लिखा था कि किसानों से जमींदार इतने से अधिक न वसूले। वे स्वयं ब्राह्मण थे किंतु जाति प्रथा के अत्याचार के विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उसे पाने के लिए संवैधानिक आंदोलन करने की सलाह दी थी। वे कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजनीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को प्रदान करने का संकेत करता है। आर्थिक स्वतंत्रता। वर्ष 1947 में मुख्यतः निम्न कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए सहमत हुई। दो राष्ट्रों का सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा थोपा गया था और इस संदर्भ में कांग्रेस विवश थी। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? क्रोनियम। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी के साफ करने के लिए, क्योंकि यह वर्णकारी पदार्थों को अवशोषित करता है। ठंडे देशों में कार रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है हिमांक की और नीचे करने की। दूध है पायस, इमल्सन। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं कैल्शियम फॉस्फेट। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? अवितरित लाभ। कराधान एक उपकरण है मौद्रिक नीति का। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। अकाल तख्त का निर्माण किया जाता है गुरु हरगोबिंद द्वारा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैराम खान। भूरा कोयला ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? हैदराबाद को। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र, वीनस। प्याज में
प्याज में खाद्य भाग है, जड़ मूल कुकरमुता की खेती उपयोगी नहीं होती। सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व नियम। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने के कारण है अपवर्तन। नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायत की स्थापना भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया हर्षवर्धन के शासनकाल में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सो झील। मैग्नेट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी। सतलज नदी का उद्गम है चीन तिब्बत में। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 के। भारतीय राष्ट्रगान के पहली बार गाया गया 1911 में। न्यूक्लियर रिएक्टर के विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम। लॉ किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन। मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? सीवी रमन। किस तत्व का परमाणु भार किस कारण होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के। संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश। अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम स्थिर रहता है। जिस उपकरण को समुद्र की गहराई मापने के लिए व्यवहार किया जाता है वह है फैदोमीटर। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। +1 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी बराबर होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। एक अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है H2। किस अम्ल में COOH समूह नहीं रहता है? पिक्रिक एसिड में। पिक्रिक अम्ल हवा से हल्की है अमोनियम गैस। रेडियोधर्मी तत्व है रेडियम। एक तत्व है हीरा। द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किसने किया? लिनियस। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जाता है सूत्री विभाजन। ईस्ट के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ है शर्करा एवं फल रस। एक पादप कोशिका का एक जंतु कोशिका से विभेदन किया जाता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। रेशम उत्पादन से संबंधित पौधा है मालवारी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अष्टप्रधान शिवाजी की सरकारी सभा थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फैयान भारत की यात्रा पर आया था। संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण नहीं है दोहरी नागरिक। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को।
किस दिन राष्ट्र में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जजिया कर किस मुगल बादशाह द्वारा हटाया गया? अकबर द्वारा। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 से 414 तक भारत का भ्रमण क्यों किया? बौद्ध पांडुलिपियों और पाठों का संग्रह करने या बौद्ध विहारों का अध्ययन करने के लिए। वह अपने दल के अनुसार दल में अनुशासन बनाए रखे। वह अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देशक दे सके। वह अपने दल के सदस्यों की स्थिति तैयार रखे आदि कार्यों के लिए राजनीतिक दल नियुक्त करते थे हैं। सचेतक। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद अप्रभावित रहता है? अनुच्छेद 20 और 21। साधारणतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत पश्चात लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक। किस निकाय या सिस्टम को एक आलोचक ने संपूर्ण देश का आर्थिक मंत्रिमंडल बताया? योजना आयोग। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का कितना भाग कंपनी को देना होता था? 10/11 भाग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली का जन्मदाता है लियोनिस कर्टियस। डांडी मार्च का सही अनुक्रमण है 12 मार्च। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया क्योंकि चौरा चौरी में के थाने में हिंसात्मक कार्य किया गया था। युग्मक जेम्स नर तथा मादा के लैंगिक कोशिकाओं में बनते हैं तथा इनमें क्रोमोजोम की संख्या है आधी होती है। ब्लड की सभी घटक हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा एवं पट्टिकाणु कोशिकाएं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। यदि लोलक पेंडुलम की विभिन्न राशियों को इस प्रकार निर्दिष्ट करे कि आवर्तकाल टी लंबाई एल तथा गुरुत्व त्वरण जी तो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा 2π√L/g। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस का अणु द्रव्यमान कितना होगा 342। पदार्थ की अवस्थाओं ठोस द्रव तथा गैस को प्रदर्शित कर सकता है जल फास्फोरस तथा गंधक। रंध या एस्टोमाटा मौजूद रहते हैं पत्ती में। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। किसे आँख की पुतली भी कहते हैं आयरिस को। सड़क पर दौड़ने वाला कार पृथ्वी पर नहीं चल सकता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। प्रशांत की अग्नि मेखला पैसिफिक ग्रिडल ऑफ फायर प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जब रोधिकाओं सैंडबार के दोनों सिरे तट से जुड़े जाते हैं तो समुद्र का कुछ भाग शेष भाग से अलग हो जाता है जो कहलाता है लैगून। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं जो ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। योजना में कोर सेक्टर से अभिप्राय है चयनित आधार उद्योग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेन कहाँ स्थित है भोपाल में। इकता का वास्तविक अर्थ होता है नगद वेतन किसी कृषि क्षेत्र विशेष के भू राजस्व का हस्तांतरण। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य। भवाई लोक नृत्य का संबंध है गुजरात से। भारत के प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा लंबा मार्ग है कोलकाता से हजीरा। भारतीय राष्ट्र NH7। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है मौलिक अधिकार। किसी ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है बुध। पीसा की झुकी मीनार कहाँ है इटली में। किसके द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा है स्वेज नहर द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा है। भारत के सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई डिगबोई में।
भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? गुप्त काल। ए बैरल में एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी। फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियम युद्ध। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। शेर बब्बर। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। फौजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। फैजी अकबर के दरबार में रहा। 1937 में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस व इंग्लैंड। सलीम अली पंछी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों भूलो तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है द्वारा अगस्त 1917 घोषणा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। ग्रीनविच पर समय है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर क्या समय होगा? सायं 3:20 में। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।